तो हेलो गाइस, तो आप सभी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है फिर से खेलने वाले हैं हमारा प्यारा सा गेम माइनक्राफ्ट को गाइस यार। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं माइनक्राफ्ट का जो है सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट वर्जन को खेलने वाला हूँ। उस वर्जन का जो मैं वर्जन खेल रहा हूँ ना, इस वर्जन का नाम है 1.0.0। भाई आप सब सोच ही सकते हो कि भाई ये कितना ज्यादा पुराना है। नहीं अभी के टाइम पर माइनक्राफ्ट के ना 1. मतलब 1. या फिर डॉट जो भी बोले, तो यार 1.20 अभी चल रहा है गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर। एंड भाई क्या भाई, ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट वर्जन है ये माइनक्राफ्ट का। एंड इसका एक अल्फा वर्जन भी था, इससे भी आई थिंक से पहले एक अल्फा वर्जन हुआ करता था। मेरे को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट जो मेरे को वर्जन मिला ना सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट, उसी के ऊपर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ गाइस यार। तो यार सब मुझे इसको खेलने वाले हैं, देखने वाले कि भाई यार क्या मतलब रहता है इसके अंदर, क्या क्या चीजें रहता है गाइस यार। तो मेरे किसी टाइम इसके फर्स्ट भी हम लोग अपना स्टार्ट कर दे गाइस यार, फटाक से लेट्स गो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। उससे पहले सुनो यार भाई, थोड़ा लाइक वगैरह तो कर दिए ना भाई यार। कुछ तरीका है भीख मांगने का? जो छोड़ो गाइस यार, बहुत ज्यादा भीख मांग लिया। अब मुझे फटक से चलते हैं यहाँ पे एंड एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं ना भाई। मुझे क्रिएटिव में इसको क्रिएट करने वाले, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई यार अभी के टाइम पर एंड पहले के टाइम पर क्या क्या चीजें था या नहीं था। अच्छा तो देखने वाले अभी के टाइम पर तो बहुत ज्यादा चीज है। एंड ये देखो वर्ल्ड कैसे क्रिएट हो रहा है माइनक्राफ्ट के अंदर, एंड अभी देखो कैसे क्रिएट हो रहा है। वेट, मैं इन्वेंटरी के अंदर ये क्या कर रहा है? ओ माय गॉड, वेट लेट मी मतलब देखने देते हैं गाइस, मैं थोड़ा सा मतलब देख लेता हूं गाइस यार। 2000 years later. वेट गाइस, मेरी इन्वेंटरी के अंदर ये सारा चीज, और भाई ये देखो तुम लोग, भाई ये जो एक मतलब इन्वेंटरी मेनू होता है ना, कितना अलग है देखो तुम लोग यहाँ पे। ओह माय गॉड, मेरी इन्वेंटरी के अंदर यहाँ पे स्टोन है, कॉबल स्टोन है, ब्रिक्स है, डर्ट है, वुडन प्लैंक्स है, वुड है। इसे लॉग बोला जाता है अभी गाइस यार, इसको वुड क्यों बोल रहा है मुझे खुद नहीं पता, बट गाइस यार इसको अभी के टाइम पर जो है ओक का लॉग बोला जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एंड लीव्स है ये, ठीक है। टॉर्च भी है, ठीक है। एंड ये स्टोन स्लैब है, एंड स्टोन स्लैब कुछ ऐसा नहीं दिखता, ये बेसिकली जो है एक स्मूथ स्टोन स्लैब है। अगर आप लोग माइनक्राफ्ट बहुत ज्यादा खेलते हो आप लोगों को पता होगा। अरे हाँ भाई हाँ, ये जो स्मूथ स्टोन स्लैब है, इसमें सीजन भी नहीं है भाई। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा जो है ये अलग है गाइस यार हमारा माइनक्राफ्ट। भाई देखो कितना ज्यादा चेंज है भाई। और यहाँ पे भैया ठीक ठाक ही है माइनक्राफ्ट, बट इसका टेक्सचर देखो तुम लोग भाई, बताए गाइस यार आप सबको, मैं सच बता रहा हूँ गाइस यार, जो पहले का जो माइनक्राफ्ट था ना उसका गाइस यार मेरे को टेक्सचर पैक बहुत ज्यादा घटिया लगता है। आई डोंट नो व्हाई गाइस यार, बट कुछ कुछ बंदे को अच्छा लगता है, बट सारे बंदे का ओपिनियन सेम थोड़ी होता है गाइस यार। एंड ये देखो भाई, चिकन तेरी ऐसी की तैसी भाई। अच्छा से लगया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। और जो भी गाइस यार मेरे को अभी ये समझ नहीं आ रहा कि भाई जैसे मैंने वर्ल्ड को क्रिएट किया, मैं बस ये सारा सामान क्या कर रहा है। बट गाइस एक और चीज मैं बोल रहा था, जब मैं वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा था, वर्ल्ड को क्रिएट करते समय अभी के माइनक्राफ्ट पर कैसे कैसे स्क्वायर टाइप आता ना, जो जैसे पूरा का पूरा जब फिल हो जाता है उसके बाद माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड जो क्रिएट होता है, बट अभी मतलब ऐसे एक लोडिंग स्क्रीन ऐसे आता है कि जनरेटिंग वर्ल्ड। भाई कितना ज्यादा अलग था। इसके अंदर क्या हम लोग F5 कर सकते हैं? हाँ F5 तो कर सकते हैं। ये देखो तुम लोग यहाँ पे मेरा क्रॉस है, लिटरली मेरे नाक पर है। व्हाट द हेक भाई, कितना ज्यादा फनी है। ओह माय गॉड, जो भी तुम लोग देखो यहाँ पे जो क्रॉस हेयर होता है ना, इसे प्लस का साइन देखो मेरे नाक के अंदर है भाई यार। ये क्या है यार, बट जो भी है मतलब ठीक ही है। हम लोग यार इन्वेंटरी के ऊपर मतलब एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेंटरी के अंदर क्या क्या चीज है। तो डायमंड वगैरह तो यहाँ पे सेम ही है, बट इसके अंदर ऑफकोर्स नेदरराइट नहीं है। एंड नेदरराइट बहुत ज्यादा बाद में आया था, 1.16.5 में आया था लिटरली। एंड ये देखो हमारा पूरा इन्वेंटरी है यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग है गाइस यार। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे टूल्स देखो तुम लोग यहाँ पे, एंड ये देखो यहाँ पे फेदर है, एंड सब कुछ मतलब सेम है इसके अंदर। ये देखो म्यूजिक डिक्स मतलब डिक्स मतलब डिक्स भी है मतलब डिस्क भी है। एंड ये देखो भाई, उनको अभी स्वॉर्ड ले लिया। एंड इसके अंदर हम लोग स्प्रिंट नहीं कर सकते। हाँ गाइस, तुमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया, हम लोग यहाँ पे जो है स्प्रिंट नहीं कर सकते, कंट्रोल को ऐसे दबाना पड़ता है, उसके बाद स्प्रिंट करते हैं, बट हम लोग यहाँ पे दबा रहे हैं, हम लोग स्प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये देखो,
चिकन है भाई इसकी ऐसे की तैसे मरने का। तुम यहाँ पे ये भी देखो, तुम लोग यहाँ पे मेरा आवाज क्यों नहीं आ रहा, मेरे को खुद नहीं पता। साउंड यहाँ पे फुल किया हुआ है। A few moments later. एक बार मैं इसको सर्वाइवल में क्रिएट करना चाहता हूँ, लेट मी क्रिएट न्यू वर्ल्ड इन सर्वाइवल, क्योंकि वहाँ पे जब मैं क्रिएट किया था क्रिएटिव में भी, तब वहाँ पे भाई यार मेरे पास कुछ आ गया था, वो लोग देखने वाले कि भाई सर्वाइवल के अंदर भी आएगा क्या वो, एंड सर्वाइवल के अंदर नहीं आ रहा गाइस। लुक एट दिस, यहाँ पे सर्वाइवल के अंदर क्यों नहीं आ रहा है ये खुद नहीं पता है, बट ये देखो तुम लोग भाई कितना वेट गाइस। ये वाला जो यार मैं जूम क्यों नहीं कर पा रहा यार, इसकी ऐसी कितने ऐसे ये क्या खुल गया यहाँ पे, वेट F3 गाइस, F3 है, ओह माय गॉड लिटरली F3 है, बट जो भी उन सबको इग्नोर करते हैं गाइस, वो वाला सो कुछ जगह दिख रहा है। मैं अभी एडिटिंग से जो जूम कर दूंगा उसको लिटरली गाइस, जैसे मैं वर्ल्ड को क्रिएट किया था लिटरली मेरे को ऐसा लगा था कि भाई वहाँ पे हीरो ब्राइन है, ओह माय गॉड लिटरली गाइस, मेरे को ना अभी गूज़बम्स सही में गाइस, सीरियसली गूज़बम्स आ रहा है मेरे को। सो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही गाइस यार, आई होप आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर। सो यार अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, एंड या गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।